नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वन प्लस 10R मोबाइल फोन के अंदर क्या नया आपको देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों अभी रिसेंटली बात करें, अनाउंसमेंट की गई थी वन प्लस 10 प्रो की, जो कि पूरी तरीके से आ चुका है, बस इंडिया में सेल के लिए नहीं आया। लेकिन दोस्तों उससे ही पहले वन प्लस 10R के लीकेज आ जाना, और उसमें जो बात करूं मैं वन प्लस 10 प्रो से अच्छा प्रोसेसर यूज हो जाना, तो कहीं ना कहीं दिल में आशंका हो जाती है। जो लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे होंगे वन प्लस 10 प्रो के लिए, अब वो वन प्लस 10R पे ज्यादा ध्यान देंगे। जैसे कि दोस्तों बात करें इसमें क्या नया आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात करूं अभी तक वन प्लस 10 प्रो सीरीज में जो यूज हो रहा था वो हो रहा था स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 वाला प्रोसेसर। दुनिया जानती है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि मीडिया टेक के 9000 सीरीज के प्रोसेसर से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लैक है स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा अच्छी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन मीडिया टेक के डायमेंसिटी 9000 वाले प्रोसेसर से थोड़ी सी कम मिलती है। जैसे कि दोस्तों बात करें इसमें जो प्रोसेसर की एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, मीडिया टेक के डायमेंसिटी 9000 सीरीज का प्रोसेसर इसमें आने वाला है। साथ में दोस्तों इसमें आपको फुल एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और 112 हर्ट्स पे स्क्रीन फ्रेश रेट मिलता है। दैट मीन्स यह है कि आपको बहुत अच्छे नए फीचर और डिस्प्ले के मामले में बात करें तो गेमिंग के हिसाब से बनाया जा रहा है। और दोस्तों बात करें रैम की, तो आपको 8 GB रैम और 128 GB में स्टोरेज। लेकिन दोस्तों वर्चुअल रैम का भी कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो हमें उसको भी नहीं भूलना चाहिए कि आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हाँ कम से कम 4 या 6 GB तो मुझे देखने के लिए मिलेगा। 4 GB मिलता है तो 12 GB, और 6 GB देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं 14 GB तक आपका रैम हो सकती है। और दोस्तों बात करें इसमें क्या नया देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट की गई थी ऑक्सीजन 12 ऑपरेटिंग सिस्टम की वन प्लस की तरफ से, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन OS 12 देखने के लिए मिलेगा विद Android 12 के साथ। तो कहीं ना कहीं मिर्च मसाला लगा के बिल्कुल नया सेट और नई कुछ चीजें देखने के लिए मिलेंगी। और दोस्तों एक्सपेक्टेशन क्या है कि कब लॉन्च हो सकता है, क्योंकि अभी मतलब जुलाई में अनाउंसमेंट कर दी थी वन प्लस ने 10 प्रो की, तो अभी तक मार्केट में नहीं आ पाया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है लॉन्चिंग की, वो लगाई जा रही है मतलब मार्च और अप्रैल के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा साइट। बात करें 5G सपोर्टेड होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेसर ही दोस्तों मीडिया टेक का डायमेंसिटी 9000 सीरीज का प्रोसेसर आ रहा है, तो इसमें आपको वर्ल्ड फर्स्ट ब्लूटूथ 5.3 वर्जन देखने के लिए मिलेगा, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि इसकी अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ ट्रांसफर कर सकते हैं करते हैं तो आपको मतलब GPS में स्पीड देखने के लिए मिल सकती है। और दोस्तों इसमें बात करें 5G पूरी तरीके से सपोर्टेड होगा, और जो इसकी प्राइस रेंज है वो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो सकती है, क्योंकि मीडियाटेक का प्रोसेसर एज कंपैरिजन क्वालकॉम के प्रोसेसर से 1-2 हज़ार रुपए सस्ता ही आपको मार्केट में देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों हम एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं जो इसका प्राइस सेगमेंट होने वाला है वन प्लस 10R का, वो 45,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की रेंज में आएगा, क्योंकि जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो प्रीमियम क्वालिटी प्रोसेसर है। और बात करूं कहीं ना कहीं जो अड़ जाते हैं वो आपको iPhone 30 Pro की भी स्पेसिफिकेशन से ऊपर का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9000 सीरीज का प्रोसेसर। तो दोस्तों अभी हम कुछ भी क्लियर नहीं कह सकते कि फाइनली कि पहले कौन सा लॉन्च होगा या तीनों साथ में लॉन्च होंगे, क्योंकि यहां पे अभी एक्सपेक्टेशन की जाए, क्योंकि मार्केट सेल में नहीं आया, लेकिन आप वन प्लस की साइट पे जाते हैं तो आपको 10 प्रो देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन अभी बाय ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों बहुत बड़ी अड़चन है, क्या वन प्लस क्लियरेंस करेगा, क्या वन प्लस पहले अपने ये वाले सेल जो मोबाइल फोन है वो लॉन्चिंग करेगा, या बाद में उसके बाद सेल करेगा वन प्लस 10R की, क्योंकि अभी पूरी स्पेसिफिकेशन मार्केट में आ जाती है तो डायरेक्टली इफेक्ट जो पड़ने वाला है वो वन प्लस 10 प्रो सीरीज पे पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।